अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, शून्य से आकाश की ओर, तमसा मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृत्युर्गमय। ये दीप शुभता का प्रतीक, अज्ञानता पे ज्ञान का प्रतीक और दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे माननीय यशस्वी मुख्य अतिथि। ये जैसे आप लोग को पता है, कोरोना के वजह से कुछ एक पिछले विगत वर्षों में 150 वर्षों से हम जो एक्टिविटीज़ थी इस टाइप की वो कम हुई हैं। NCZCC ने इस बार यह पहल ली है कि जो हमारा ये शिल्प मेला है इसको पुनः आयोजित किया जाए और यहाँ पे करीबन 150 के आसपास स्टॉल्स हैं। साथ ही साथ विभिन्न ग्रुप्स द्वारा यहाँ पे जो हमारी लोक नृत्य हैं, लोक कलाएं हैं, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। एक बहुत अच्छा मंच है जो हमारे शिल्पी हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में से जो हमारे लोग जुड़े हैं। एक बहुत इकोनॉमी एक बहुत बड़े पैमाने पे इससे जुड़ी हुई है, उनके एक मौका मिलेगा यहाँ पे जो अपनी कलाकृतियाँ हैं या कपड़े से रिलेटेड जो आर्ट टाइम्स हैं उनको प्रदर्शन करने का। और साथ ही साथ जो हमें जो NCZCC ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो हमारे लोकल कलाकार हैं, जो उनकी प्रतिभाएं हैं, उनको भी प्रदर्शन करने का। तो मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इस मेले में आएँ, पार्टिसिपेट करें और यहाँ पर जो स्टॉल्स लगी हैं उसमें जो चीज़ों का प्रदर्शन हो रहा है, जो बिक्री हो रही है, उसका भी आनंद उठाएँ। और जो हमारे लोक नृत्य, लोक गायन और जो हमारे जो लोकल कलाकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां की जाएंगी प्रत्येक रोज, उसका भी आनंद उठाएँ। तो कितने राज्यों से सर इस बार यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, क्या कुछ खास है इस बार? यहाँ पे करीब लगभग लगभग पूरे हिंदुस्तान से। हाँ सर, इस मेले का सबसे बड़ा मतलब महत्व क्या है, क्यों लगवाया गया? जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हम अगर हम लोक संस्कृति की बात करें या हमारे जो लोकल कलाकार हैं जो एकदम ज़मीनी तौर से जुड़े हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, वाकई यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नॉर्मली स्टॉल जो लगी हुई हैं वो स्टॉल वैसी हैं जो लोकल तौर पर जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी जैसे मैं एक स्टॉल पर गया था, काशीपुर की स्टॉल है, हैंडलूम्स का काम है और करीब 88 जो विडोज़ हैं वो उससे जुड़ी हुई हैं, जो बेडशीट्स बनाती हैं, बेड कवर्स बनाती हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा उनको जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको बिक्री करने का, उनको प्रदर्शनी के लिए। सर मैंने सुना कि इसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का बहुत सहयोग किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये एक जैसे मैंने बताया, जो मैं जिन महिलाओं से मैंने बात की, जो ग्रुप की जो एक तरीके से अध्यक्ष लगी मुझे, वो हैं, वो बता रही थी 6 महीने के लिए वो इन सब चीज़ों का तैयारी करती हैं और यहाँ पे जो प्रदर्शनी है 10 दिन में या 12 दिन में वो पूरा उनका जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इस प्रकार की हम सुविधा दें जहाँ पे अच्छे लोग आएँ और उनको जो बिक्री का है एक अच्छा, जो अपनी कला है या अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बिक्री करने का एक अच्छा अवसर मिले।